नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता। आज का जो विषय है हमारा कैंसर के लिए वो है लंग कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर। सो पहले लंग कैंसर की बात करते हैं। तो लंग कैंसर वो कैंसर है जब मतलब हमारे फेफड़े के कोशिकाओं के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स मतलब कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वही बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। तो लंग कैंसर बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑल्दो बहुत सारे सब टाइप्स हैं, एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग रिलेटेड है, अब स्मोकिंग से जुड़े हुए हैं, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर होने का। ऑल्दो अगर हम देखें कि बाकी सारे और भी रिस्क फैक्टर्स है लगभग, लाइक कोई इंसान स्मोक नहीं कर रहा है बट पैसिवली स्मोक का एक्सपोजर है, उसको भी ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कुछ, जैसे रेडिएशन है, या वर्क प्लेस पे कुछ फैक्टर्स है लाइक एस्बेस्टस है, निकल है, तो अगर उन चीज़ों की वजह से भी एक्सपोजर हो रहा है तो उससे भी रिस्क ऑफ लंग कैंसर बढ़ सकता है। तो उसमें वर्क प्लेस जो रिस्क फैक्टर्स है लाइक एस्बेस्टस है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, निकल है, टार है, सूट है, और आजकल हम देख लेते हैं जो पोल्यूशन हो रहा है इंक्रीज ट्रैफिक की वजह से, जो वो हार्मफुल पेट्रोल डीजल से केमिकल्स निकलते हैं जब उनसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है बहुत सारे लंग डिजीजेस और लंग कैंसर का भी। तो ये है कुछ, और किसी 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 पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, बहुत सारे जनरेशन में लंग कैंसर होता है, तो उनको थोड़ा इंक्रीज होता है लंग कैंसर डेवलप होने का। अब लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही नहीं बनता है, ये नॉन स्मोकर्स में भी बन सकता है, ऑल्दो उनमें इंसिडेंस बहुत कम है क्योंकि स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो अब इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है कि लंग कैंसर ना हो? सपोज सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है स्मोकिंग ना करें, और अगर कोई कर रहा है स्मोकिंग उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो अगर कोई वर्क प्लेस पे ऐसा है जहाँ पे एक्सपोजर है हार्मफुल केमिकल्स में, वो एक्सपोजर कम अगर करें तो उससे भी रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है आजकल लाइक डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑल्दो वो अच्छी चीज़ें हैं बट हम बहुत ज़्यादा इसको रिलेट नहीं करते हैं कि हम पर्टिकुलर डाइट खाएंगे या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ऑल्दो कुछ कैंसर्स में उसका रोल है बट लंग कैंसर में उतना बहुत ज़्यादा आपस में एसोसिएशन नहीं हुआ है डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का। सो एंड एक और जो बात है, कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं कि उससे हमारा लंग कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, लाइक बहुत सारे बीटा कैरोटीन लेते हैं या वाइटामिन ई लेते हैं, तो बहुत सारी लार्ज स्टडीज हुई है और उसमें देखा गया कि इससे एक्सपोजर लंग कैंसर का जो रिस्क है इससे कम नहीं होता है। सो सप्लीमेंट्स से लंग कैंसर का रिस्क कम नहीं होता है, डाइट और एक्सरसाइज से का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। सो मेन जो एक्सपोजर है स्मोकिंग का और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का, उसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है लंग कैंसर का। सो फिर ये कैसे पेश होता है लंग कैंसर, एक कैसे पता चले कि कैसा होता है? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है खांसी, किसी को खांसी हो रही है जो हफ्ता, दस दिन, दो हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है और दिन ब दिन बढ़ी रही है, या उसने कुछ एंटीबायोटिक खाए, कोई दवाइयाँ खाई है जिससे कोई असर नहीं होना चाहिए, तो उसकी जाँच होनी चाहिए। हम देखेंगे लंग कैंसर से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी खांसी होकर प्रेजेंट करता है। सो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा जब वो जांचें करेंगे कि टीबी है, लंग कैंसर है, तो अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो डॉक्टर के पास जांच करने के लिए जाना चाहिए। दूसरा है सांस बढ़ना, लाइक सांस अचानक से सांस आना स्टार्ट हो गया है, या दिन ब दिन बढ़ रहा है, या छाती में पेन हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। सो ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं लंग कैंसर के होने का। तो कभी कभी ये लंग कैंसर जब छाती से बाहर फैल जाता है, कभी कभी ब्रेन में फैल जाता है, तो सीजर्स आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, तो वैसे पूछ। कभी कभी हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट होता है, तो अगर वो हड्डी में चला गया हो तो
पैसे प्रस्तुत कर सकता है, सो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रस्तुत कर सकता है लंग कैंसर। तो फिर हम जब हमें फिर अब प्रिलिमिनरी जांच करने के बाद थोड़ा शक हो जाता है तो लंग कैंसर हो सकता है, तो क्या क्या डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मोडालिटी है वो चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पे हमें मास दिख सकता है कि शक हो सकता है कि लंग कैंसर हो सकता है। फिर उसके बाद आता है सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, एमआरआई है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि लंग कैंसर है। बट अल्टीमेट जो कंफर्मेशन आ जाती है कि ये लंग कैंसर है या नहीं है, कौन सा टाइप है, वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी बहुत एसेंशियल है क्योंकि लंग कैंसर अब इतना डिफरेंट टाइप्स का होता है, हर डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट अलग अलग से ट्रीट करना होता है, सो इसलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता एक तो कन्फर्म हो जाएगा कि लंग कैंसर है कि नहीं, और सेकेंड कौन सा टाइप है और उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी पता चलेगा। सो एक बार लंग कैंसर हमें डायग्नोज हो गया बायोप्सी से, तो फिर हो गया स्टेज, ये कौन सी स्टेज में है, स्टेज वन है, स्टेज टू है, थ्री है, फोर है। तो उसके लिए मेन जो है वो इमेजिंग है, मतलब सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, और अब जो अलग टेक्निक्स है छाती के अंदर लिम्फ नोड्स अगर बने उसके लिए ईबस करते हैं, या मीडियास्टेनोस्कोपी करते हैं कि देखने के लिए कि लिम्फ नोड्स में लंग कैंसर गया है नहीं कर रहा है, उससे हमें प्रॉपर स्टेजिंग करनी होती है, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो फिर हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? सो ट्रीटमेंट सबसे पहले डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर्स कि कौन से स्टेज में कैंसर है, पेशेंट की एज क्या है, कितना एग्रेसिव हम जा सकते हैं ट्रीट करने के लिए, और पेशेंट की बाकी क्या प्रॉब्लम्स है, लाइक किसी को हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हम फिर एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसको हम इनिशियल प्लान कहते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन करते हैं कि इस पेशेंट को ये। सो जो भी अगर 10 पेशेंट है सेम स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, बट आप देखेंगे हर किसी पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हमें डिसाइड करना होता है किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है, तो वो उसको। सो ट्रीटमेंट मेनली अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो सर्जरी है जो क्यूरेबल हो सकती है, ट्यूमर है निकाल दिया सर्जरी से, उस फिर जब उसका रिपोर्ट आएगा फिर डिपेंड करेगा कि उसमें हमें आगे कीमोथेरेपी देना है, रेडिएशन देना है, ताकि वो वापस ना आए उसमें। अगर स्टेज थ्री है तो उसमें हम रेडिएशन और कीमो साथ साथ दे सकते हैं, आजकल इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है, इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। और स्टेज फोर है तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते बट ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम पैलेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, ताकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, उसकी उम्र जो हम थोड़ी बढ़ा सकें, उसके प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सिस्टमिक ट्रीटमेंट से। उसमें टैबलेट फॉर्म में भी ट्रीटमेंट आता है, कीमोथेरेपी भी होता है, कभी कभी रेडिएशन भी, पैलेटिव रेडिएशन देते हैं, और आजकल जो नया आया है जिसने बहुत अच्छा असर दिखाया है लंग कैंसर में वो है इम्यूनोथेरेपी। वो हर किसी को नहीं लगती है, उसके लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इनके लिए काम करेगी नहीं करेगी, तो फिर हम देखते हैं। फिर बाद में हम जब एक बार ट्रीट किया फिर ऐसे पेशेंट को वापस आने का रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें हमें बार बार फिर पेशेंट को बीच बीच में आना पड़ता है दिखाने के लिए सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, वापस तो नहीं आया है, ताकि हम इसको जल्दी पकड़ लेके वापस आए, ताकि हम इसे ट्रीटमेंट दे सके, सो दैट इसका फॉलोअप अराउंड 5 years तक हो जाता है। तो ऐसे लंग कैंसर का डायग्नोसिस होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है, सो ये लंग कैंसर के बारे में हमने कर दिया। ठीक है, सो हेड एंड नेक कैंसर्स। हेड एंड नेक कैंसर्स मतलब मुंह और गले का कैंसर। तो अगर हम देखें दुनिया में सबसे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो लंग कैंसर है, बट अगर हम इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में देख लें जो सबसे कॉमन कैंसर है हमारी कंट्री में वो है हेड एंड नेक कैंसर। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ हेड एंड नेक कैंसर, ऑल्दो लंग कैंसर भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, बट हेड एंड नेक कैंसर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में एक यूनिक हैबिट है जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में आप नहीं देखते हो, वो है पान, तंबाकू खाना, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है हेड एंड नेक कैंसर डेवलप होने का। तो हेड एंड नेक कैंसर क्या है? जो हमारा मुंह का अंदर का लाइनिंग है, कोशिकाएं जो लाइन करता है, थ्रोट को लाइन करता है, जब उसमें कोई सेल कैंसरस चेंज हो जाती है तो वो कैंसरस सेल बनती है, तो वो उस म्यूकोसल लाइनिंग में ट्यूमर बनता है जो फिर पहले उधर ही फैलता है और फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा
आगे पीछे फैल सकता है, तो उससे हेड एंड नेक कैंसर, ये गले में भी बन सकता है, मुंह में भी बन सकता है, मुंह के पीछे वॉल में भी बन सकता है, जीभ में भी बन सकता है, हमारी साइनसेस होती है मुंह के अराउंड तो उसमें भी बन सकता है, और हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है या हमारा जो ये जिससे हम सलाइवा बनता है, जैसे हम पैरोटिड ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, अगर उनमें भी कैंसर बनता है तो उसको भी हम हेड एंड नेक कैंसर के अंदर रखते हैं। तो इसमें जो मेजर रिस्क फैक्टर है हेड एंड नेक कैंसर होने का वो है अल्कोहल और टोबैको यूज। सो टोबैको यूज स्मोकिंग के थ्रू भी हो सकता है और स्मोकलेस टोबैको भी यूज होता है, जैसे मैंने कहा जैसे पान है, गुटखा है, खैनी है, तो उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे बीटल नट है उसमें होता है, उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिससे कैंसरस चेंज मुंह में आती है, उससे कैंसर बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर्स आप देखते हो वो ऐसे लोगों में बनता है जिनमें पान, गुटखा, बीड़ी ये सेवन करते हैं या स्मोक करते हैं, अल्कोहल होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज कैंसर्स उन्हीं में बनते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो मैंने बोला, एक अल्कोहल है, एक टोबैको है, और कुछ वायरल इन्फेक्शन है जिससे भी हेड एंड नेक कैंसर्स बन सकते हैं, लाइक HPV इन्फेक्शन है, EBV इन्फेक्शन है, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, उससे भी कुछ सब टाइप के कैंसर्स, हेड एंड नेक कैंसर्स बन सकते हैं। तो जैसे मैंने पान बोला, उसमें बीटल स्क्विड होता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का। और कुछ 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 लोगों में देखा है कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो, जैसे वुड डस्ट है, एस्बेस्टस है, निकल डस्ट है, रेडिएशन एक्सपोजर है, उनको भी ये हेड एंड नेक कैंसर होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, लाइक फैनक्रीज एनीमिया है, तो उसमें थोड़ा हेड एंड नेक कैंसर होने का ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ये हेड एंड नेक कैंसर कैसे पता चलेगा, कैसे हुआ, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? लाइक किसी को पैसे कुछ लंप बन गया नेक में या थ्रोट में या पीछे, उसको लंप बन गया तो जो ठीक नहीं हो रहा खुद बढ़ रहा है दिन ब दिन। सो ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है ये। दूसरा जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मुंह के अंदर एक छाला हो गया जो ठीक नहीं हो रहा और दिन ब दिन बढ़ रहा है। सो बहुत सारे अदर रीजंस है मुंह में छाला बनने के, बट वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो अगर कोई छाला ऐसा बन रहा है, स्पेशली दोज पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं या ओरल तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर उनमें कोई छाला बनता है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो कैंसर की निशानी हो सकती है। और किसी किसी का वॉइस चेंज हो गया, लाइक होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया या आवाज़ में चेंज हो गया, ये कैंसर की, थ्रोट कैंसर की प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब एक और प्रेजेंटेशन क्या है, हम खा रहे हैं और ये लग रहा है कि गले में अटक रहा है खाना, या पानी पी रहे वो लग रहा है अटक रहा है। सो वो एक जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं या ओडिनोफेजिया कहते हैं, वो एक संभावना हो सकती है, थ्रोट का कैंसर बन रहा है, उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। या किसी किसी को एक वाइट या रेड पैच मुंह के अंदर बन सकता है, जीभ के ऊपर बन सकता है, तो वो एक प्रेजेंटेशन होती है हेड एंड नेक कैंसर्स। किसी किसी का जैसे ये जो हमारी मुंह की हड्डी है, इसके अंदर से कोई स्वेलिंग बन रहा है, उससे जो हमारे टीथ है वो लूजन हो रहे हैं, सो वो एक प्रेजेंटेशन हो सकती है मुंह के कैंसर की। तो या अगर सैलवरी ग्लैंड्स का कैंसर है, तो जैसे यहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, नीचे स्वेलिंग आ सकती है, वो भी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है हेड एंड नेक कैंसर्स की। तो फिर उसमें डायग्नोसिस सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन करता है, कभी कभी एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया करना होता है, कभी एंडोस्कोपी है, लैरिंजोस्कोपी है, उससे हमें ट्यूमर दिखता है, और फिर एक जो मेन डायग्नोस्टिक मोडलिटी है वो CT स्कैन है, वो अंदर और बाहर सब कुछ हमें पता चलता है कि ट्यूमर कहाँ पे डेवलप हो रहा है और कितना आगे पीछे बढ़ा हुआ है। और इसको कंफर्म करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है बायोप्सी। सो कभी कभी वो एंडोस्कोपी डायरेक्टली बायोप्सी करना होता है, कभी कभी हम अगर मुंह के अंदर कैंसर है डायरेक्टली बायोप्सी कर सकते हैं, उससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये कैंसर है, कुछ और चीज़ नहीं है। तो एक बार कैंसर हमने डायग्नोज कर दिया तो उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट है? सो ट्रीटमेंट अगेन डिपेंड करता है स्टेजिंग के, स्टेजिंग के लिए हमें CT स्कैन है, MRI है, या बाकी चीज़ें हैं जिससे हमें अल्ट्रासाउंड है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। सो उसकी एक क्लासिफिकेशन होती है कि ये पहली स्टेज में है, सेकेंड में है। सो अगर हम पहली और दूसरी स्टेज देख लें या स्टेज 3 भी देख लें, तो उसमें जो मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी, तो ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल देना बाहर।
तो अब देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, बोन्स है, सॉफ्ट टिश्यू है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कभी डिसेक्शन करना पड़ता है वो ट्यूमर निकालने के लिए, तो फिर इसको फंक्शन रिस्टोर करने के लिए कभी हमें हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कैंसर को निकाल के। हमें सपोज अगर जीभ बना दिया या मुंह का रिकंस्ट्रक्शन, एक मेटल प्लेट लगा दिया ताकि जॉ बोन बराबर हो, जो ट्यूमर निकाल के हमने बोन से निकाल दिया उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। तो उसके तो है सर्जरी प्लस रिकंस्ट्रक्शन। तो सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद जो उसका रिपोर्ट आता है कैंसर का, उससे हमें पता चलता है कि हमें आगे कुछ और ट्रीटमेंट देना है कि ये सफिशिएंट है। उसके डिपेंडेंट जो मोस्ट कॉमन सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन। रेडिएशन इसलिए देते हैं उस एरिया में आफ्टर सर्जरी कि वो कैंसर जो वापस आने का चांस हो, रिस्क होता है, वो कम से कम हो जाता है। कभी कभी रेडिएशन के साथ हमें कीमोथेरेपी भी देना होता है। तो कभी कभी ऐसा ट्यूमर बन गया होता है कि एक्सटेंसिव सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है, कि वो इतना बढ़ गया होता है कि पूरी तरह निकालना संभव नहीं होता है। तो उन पेशेंट्स के साथ क्या होता है, उनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ साथ देते हैं ताकि उससे वो खत्म हो जाए ट्यूमर, अगर हम सर्जरी ना कर पाए तो। तो ये मेन दो फॉर्म्स हैं। तो थर्ड फॉर्म है जो कभी कभी ये ना तो सर्जरी संभव होती है, या कभी हमने सर्जरी किया, रेडिएशन दे दिया, उसके बाद वापस आया, फिर से सर्जरी करने का, रेडिएशन देने का संभव नहीं होता है। फिर हमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है उस स्टेज में वो होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से वो हर जगह जाता है। कीमोथेरेपी ब्लड के थ्रू यूजुअली देते हैं, नस के थ्रू देते हैं। वो कैंसर अगर ये फैला भी है, अपनी जगह भी है, वो हर जगह जाता है वो केमिकल, ताकि वो कैंसर सेल्स को किल कर सके। और जो रिसेंट लास्ट 3-4 साल से आया है, जो जिसने बहुत एक अच्छा असर दिखाया हेड एंड नेक कैंसर्स में, वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक अच्छा रोल प्ले करता है हेड एंड नेक कैंसर्स में। उससे काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। वो ट्यूमर को ख़त्म भी कर सकते हैं या काफ़ी देर के लिए अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम उसमें है वो कॉस्ट है, वो कॉस्टली होता है, बहुत सारे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एक अच्छी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी। अब प्रिवेंट कैसे करना है कि हेड एंड नेक, बिकॉज यूजुअली ना दीज ये जो हेड एंड नेक के कैंसर है बहुत डिसफिगरिंग होते हैं, तब आपको बहुत सारा सर्जरी से कटिंग करना होता है, स्कार्स रहते हैं, कभी किसी किसी का जीभ पूरा निकालना पड़ता है, वो बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी गले में होल्ड करना पड़ता है, आवाज़ नहीं आती है। ऑल्दो कैंसर कंट्रोल हो गया बट डिसफंक्शनल रह गया है इंसान। तो इसके हिसाब से ये बेटर है कि कैंसर ना हो। प्रिवेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पान, गुटखा, बीड़ी ये ना खाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे आप देखेंगे मोर देन 50% कैंसर खत्म हो जाएंगे अगर इसका सेवन बंद हो जाए। उसके बाद जब हम अल्कोहल और सिगरेट पीते हैं, वो डबल वैमी होती है, दोनों रिस्क फैक्टर्स है, दोनों चीज़ें ले रहे हैं या तीनों चीज़ें कोई कोई लेता है, तो उससे और ज़्यादा रिस्क होता है। सो अगर सपोज ये चीज़ों का सेवन नहीं है, जो इंसान इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, उनको रिस्क हेड एंड नेक कैंसर रिस्क बहुत कम हो जाते हैं कि ये ना करते। ऑल्दो बहुत ऐसे बहुत कम पेशेंट्स हैं जो चीज़ें सेवन नहीं करते हैं, फिर भी उनमें हो सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है। तो इसलिए अभी भी जो मैंने बोला कि HPV वैक्सीनेशन, HPV के जो वायरस है उससे रिलेटेड भी कुछ एक कैंसर होता है, जैसे ओरोफेरिंजियल कैंसर है। तो आजकल अभी देखा जाता है कि अगर हम अर्ली एज में HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करें तो मे बी हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं ओरोफेरिंजियल कैंसर। सो ये मोरालिटीज़ है कि हम कैसे डायग्नोज करते हैं हेड एंड नेक कैंसर को, क्या क्या ट्रीटमेंट।